सरकारी का गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं। मैं बारहसूर सिविल कोर्ट का अध्यक्ष होने की हैसियत से अपने अधिवक्ताओं की तरफ से मैं कहता हूं, उसके खिलाफ अगर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करेगी तो हम न्यायालय से दर्ज कराएंगे और इस जो भ्रष्ट और डकैत डॉक्टर सरकारी है इसको और स्टाफ को हम जेल भिजवाएंगे। क्या मजबूरी है कि पुलिस को एक तरफ गिरफ्तार कर लिया जाता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा भी नहीं लगता है तुरंत त्वरित गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक जो है 4 से 5 दिन इस मामले को लेकर हो गया और एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाया है। SSP साहब को क्या मजबूरी है इसमें? SSP साहब अपनी आंख मूंदे हुए हैं, वो एक बहाना दे रहे हैं कि IMA के खिलाफ ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे जिसका मतलब ये पूरे देश को जो भी जाए, जो भी साधारण जनता जाए, इनको लतियावें, इनको मारे, इनको लूट करें, इसका कोई न्याय होना चाहिए। न्याय जैसे सिपाही के साथ जेल भेजा गया वैसे इस डॉक्टर को, भ्रष्ट डॉक्टर और डकैत डॉक्टर को भी जेल भेजा जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पंकज कुमार के मामले को आप जानते हैं और समझते भी हैं, अनुज सरकारी को भी आप जानते हैं। अनुज सरकारी के वहां पंकज कुमार जाते हैं और उन पर आरोप लगता है कि हथौड़ा से डॉक्टर साहब पर वार करते हैं। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पंकज कुमार की जमकर पिटाई होती है डॉक्टर और उसके स्टाफ द्वारा। वकील समाज के साथ खड़े हैं, न्याय प्रक्रिया को हम जानते हैं। पंकज कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, डॉक्टर पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे भानु पांडे जी, आप अध्यक्ष हैं? पंकज जो सिपाही जी हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अब तक हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। पंकज कुमार प्रथम दिन जाते हैं, यह डॉक्टर अनुज सरकारी खुद ही डकैत के रूप में है और मनमानी करता है, आए दिन लोगों को बेइज्जत करता है। वह जब पंकज द्वारा कहा गया कि आपका इतना टेस्ट हम बाहर सस्ते में करा लेंगे, उसको यह बात बुरी लगी और अपना क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के बाद उसको गाली गुप्ता देने लगा और अपने आदमियों को जो अपना रखा है मारने के लिए, पीटने के लिए सभा करके पंकज कुमार को मारे पीटे और पंकज कुमार का सर फट गया। वह अपने पत्नी और बच्चों के प्रति सामने इस हालत में होकर के बड़ा शर्मिंदा हुए। वह घर गए, दूसरे दिन पुनः आकर करके यह डॉक्टर से स्पष्टीकरण कर करके फिर बाद में बताया गया डॉक्टर द्वारा कि हथौड़े से इन्होंने वार कर दिया। पुनः पंकज कुमार को बांध कर करके बुरी तरह से मारा गया है। हम लोग उस दृश्य को देखे हैं, पंकज कुमार की पूरी शरीर लोहे की तरह लाल हो गई है, जैसे लोहा तपाया जाता है उस तरह लाल हो गई है। पंकज कुमार को बुरी हालत में जेल भेज दिया गया। इसके जिम्मेदार हमारे माननीय SSP और DM साहब भी हैं, उनको भी अपने इस चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा है कि न्याय क्या है। जी, सफेद कोट डॉक्टर, सफेद कोट वाले को धरती का भगवान कहा जाता है। जब वो हैवान हो जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस मामले को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, डॉक्टर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, डॉक्टर के स्टाफ की गिरफ्तारी नहीं हुई, वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है जबकि खुद उप सिपाही। सफेद कोट को भगवान माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छे भी डॉक्टर हमारे शहर में है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और जनता के प्रति और आम आदमी के प्रति उनका विचारधारा ठीक रहती है, लेकिन अनुज सरकारी जैसे कुछ डकैत हैं इस शहर में डॉक्टर जो बहुत निंदनीय काम करते हैं। जब तक अनुज सरकारी का गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं। मैं बारहसूर सिविल कोर्ट का अध्यक्ष होने की हैसियत से अपने अधिवक्ताओं की तरफ से मैं कहता हूं, उसके खिलाफ अगर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करेगी तो हम न्यायालय से दर्ज कराएंगे और इस जो भ्रष्ट और डकैत डॉक्टर और सरकारी है इसको और स्टाफ को हम जेल भिजवाएंगे। क्या मजबूरी है कि पुलिस को एक तरफ गिरफ्तार कर लिया जाता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा भी नहीं लगता है तुरंत त्वरित गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक जो है 4 से 5 दिन इस मामले को लेकर हो गया और एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाया है। SSP साहब को क्या मजबूरी है इसमें? SSP साहब अपनी आंख मूंदे हुए हैं, वो एक बहाना दे रहे हैं कि IMA के खिलाफ ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे जिसका मतलब ये पूरे देश को जो भी जाए, जो भी साधारण जनता जाए, इनको लतियावें, इनको मारे, इनको लूट करें, इसका कोई न्याय होना चाहिए। न्याय जैसे सिपाही के साथ जेल भेजा गया वैसे इस डॉक्टर को, भ्रष्ट डॉक्टर और डकैत डॉक्टर को भी जेल भेजा जाना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं? अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी तो छोड़िए मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। देखिए, ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, SSP महोदय को इस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, DM साहब को दर्ज कराना चाहिए और डॉक्टर तो यहाँ एक सिंडिकेट चला रहे हैं। आप देखिए,
ये अपने नर्सिंग होम में, ये आज से नहीं ये बरसों से चला रहा है गोरखपुर शहर में, कि अपने नर्सिंग होम में अपने क्लिनिक पर ये तमाम किराए के गुंडे रख रहे हैं। वहाँ इलाज के लिए जो मरीज बाहर से आ रहे हैं उनको भर्ती कर रहे हैं। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, लखनऊ महानगर का है, राजधानी का है, उसमें है कि वो बता रहा है कि साहब एम्बुलेंस वाला लेकर के आता है और वहीं वो स्टिंग में आ रहा है, वो कह रहा है कि आप लेकर के आएंगे तो कल इतना पैसा दे देंगे, जितने का बिल बनेगा उसका इतना परसेंट दे देंगे। तो ये एकदम से व्यवसायिक ये पूरी तरह से लूट मचा रखे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने जो कहा इस तरह से सरेआम डकैती डाल रहे हैं सफेद कोट पहन करके, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनके नर्सिंग होमों की जांच होनी चाहिए। आप देखिए अभी ये तमाम नर्सिंग होम आप देख लीजिए, यहाँ रास्ते पर तमाम देखिए, न इनके पास कोई पार्किंग की जगह है न कुछ है, सारा रास्ता जाम रहता है। जीडीए भी मौन है, जीडीए भी मौन है, नगर निगम भी मौन है, ये कहीं बिल्कुल निरंकुश इस जिले में डॉक्टरों का पूरी तरह से, यहाँ तक कि एम्स में जो मरीज जा रहे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, उनको इधर उधर मेडिकल कॉलेज से, अभी पिछले जो हमारे एसपी सिटी साहब थे उन्होंने इस पर अभियान भी चलाया था कि जो ये मेडिकल कॉलेज से मरीजों को भगा करके अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करते हैं। तमाम ऐसे नर्सिंग होम खोले गए हैं जिनमें न डॉक्टर का पता है न उनकी डिग्री का पता है, इसकी कहीं कोई न जांच होती है, न हमारे सीएमओ साहब कोई जांच करते हैं, कहीं कुछ नहीं करते। ये पूरी तरह से व्यवस्था डॉक्टर अपने मनमानी पर चला रहे हैं। ये हड़ताल पर जाएंगे तो हमारी न उच्च न्यायालय बोलेगी न सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, कहीं कुछ नहीं बोलेगी। ये कहेंगे साहब हम हड़ताल पर जाएंगे, पूरे देश की मेडिकल सुविधा को बंद कर देंगे। इसके भय से ये सारी जो काम हो रहा है, प्रशासन को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अधिकार सबका, कानून सबके लिए अगर बराबर है तो अगर उस सिपाही जो पंकज कुमार है, अगर सिपाही के ऊपर हमला हुआ, डॉक्टर ने मारा, डॉक्टर के जो साथ के थे वहां, उनके जो प्राइवेट गुंडे जो अपने उसने नर्सिंग होम में पाल रखे हैं, उन सबों ने मारा, उन सबों को गिरफ्तार करने में क्या समस्या आ रही है? माननीय एसएसपी महोदय को, पुलिस को क्या समस्या आ रही है? अगर वो अपने ही एक कर्मचारी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो दूसरे की और सामान्य जनता की क्या रक्षा करेंगे? भानु पांडे के बारे में कहा जाता है वो लड़ाकू है, कहां तक इस लड़ाई को लड़ेंगे? एसएसपी साहब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज करने से परहेज कर रही है, जांच पे जांच हो रहा है, जांच की बात किया जा रहा है, वीडियो वायरल होता है, डॉक्टर की जमकर पिटाई होती है, हेलमेट से पीटा जाता है। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले को जो है लिपापोती हो रही है? अभी एसएसपी से मिलने हम लोग 1 बजे जाएंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल रहेगा और भाजपा के ही तरफ से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी रहेंगे। एसएसपी को हर हालत में दर्ज करना है, एसएसपी नहीं दर्ज करेंगे तो कचहरी भी हम बंद कराएंगे और कचहरी स्ट्राइक करने के बाद हम लोग एसएसपी दरवाजे पर बैठा जाएगा और वह मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। मुकदमा तो हमारा दर्ज होना है, या तो एसएसपी दर्ज करे बाध्य होकर के दर्ज करेंगे, नहीं तो हम कोर्ट से, रास्ता हमारे पास है, हम कोर्ट से दर्ज करा करके और इस डकैत डॉक्टर को अनुज सरकारी को जेल भिजवा करके ही रहेंगे। अच्छा, अनुज सरकारी किसी जांच, किसी पैथोलॉजी के जांच को नहीं मानते। हमारे वहाँ कमेंट आए, 2200 कमेंट आए हैं जिसमें एक व्यक्ति जो है उनके पक्ष में नहीं आया। बनारस बीएचयू की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, पटना एम्स की रिपोर्ट को नहीं मानते, गोरखपुर एम्स की रिपोर्ट को नहीं मानते, तो क्या ये माना जाए गोरखपुर में जितने पैथोलॉजी है उनके हिसाब से फर्जी है? ऐसा वो भ्रष्ट है, पैसा के लिए अपना सब कुछ किसी का गला काट सकता है और वह डॉक्टर इसलिए नहीं करता है, प्रभात जी, वह पैसा के लिए किसी का गला काट सकता है। जब हमको पैसा कमाना है तो हम किसी को, सबको कहेंगे गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ कराइए और मनमानी रेट पे पैसा दीजिए, यही उसकी नियत है, इसीलिए वह अपना डकैत है। तो अब आप इस मामले को लेकर क्या करने वाले हैं? हम लोग अभी आज एसएसपी से वार्ता करेंगे, अगर एसएसपी नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग रास्ता जाम करेंगे और कचहरी को बंद रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके यह बात उठाएंगे। आप इस मामले को किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम सभी अधिवक्ता भाई उस पुलिस वाले के पक्ष में खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं और हमारे अध्यक्ष जी जो कहे हैं हम लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग कचहरी हड़ताल करेंगे, रोड रास्ता जहाँ रहेगा उसके पक्ष में कचहरी हड़ताल करेंगे। आप जो है डॉक्टर साहब किसी की बात नहीं मानते, हमारे वहाँ बहुत सारे कमेंट आए कि 17,000 की जांच कराए, 18,000 की जांच कराते हैं और किसी पैथोलॉजी के जांच को नहीं मानते, किसी अल्ट्रासाउंड को नहीं मानते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला है, बड़ा ही निंदा का विषय है कि इस जिले में डॉक्टर और स्कूल मालिक दो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है और ये पता नहीं कौन से अपराध नियंत्रण की बात कर रहे हैं। दो चार लोगों के घर में बुलडोजर चला के, दो चार लोगों को इधर उधर फंसा के जो आवागमन फैलाए, नाटक फैलाए हैं, लेकिन आम जनता के दर्दों से क्या जुड़े हैं मुख्यमंत्री?
क्या इनको एहसास है गोरखपुर में क्या हो रहा है? आज गोरखपुर जनपद की स्थिति ये है कि जो बच्चों को अपने एडमिशन करा दे रहे हैं उनको लूटा जा रहा है। डॉक्टरों को वहां चले जाइए, आपकी 50,000 की 60,000 की जांच करा रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, दवाई अगर एक महीने की लिखेंगे तो 3 दिन की दवाई नहीं देंगे। अगर तीन और जो सरकारी चिकित्सालय इनके हैं वहां आपने एम्स खोल लिया, क्योंकि एम्स की ओर झुंझुना बजा रहा है। मजबूरी है कि ऐसे डॉक्टरों के शरण में लोगों को जाना पड़ रहा है। ये डॉक्टर कोई चिकित्सा नहीं कर रहे। अगर गोरखपुर में किसी को अपने परिजन को जान से मारना है तो 6 महीना इन डॉक्टरों के हवाले कर दीजिए, ये आपको जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। पांडे जी, एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है, क्योंकि आप वरिष्ठ वकील हैं, अध्यक्ष भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके पत्नी के सामने आपको मारा जाए तो आप क्या करेंगे? उसी में जब दिमागी रूप से वह जो अगर उसके द्वारा कोई कृत्य गलत ही किया गया, कानून के विपरीत भी किया गया, तो आदमी मजबूर होकर के क्या मुंह दिखाएगा? अगर हम ही और आप अपने पत्नी के सामने जूते जूते मारे जाएं तो दूसरे दिन वो आदमी क्या मुंह दिखाए? महिला कह रही है कि हम कानून के पास गए, पुलिस के पास गए थे, एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन मैनेज हो गया। मैनेज नहीं हुआ है, यहाँ हमारे SSP महोदय आंख मूंद लिए हैं और उनको यह डर बस डॉक्टरों के डर बस यह कानून का उस महिला का आवाज दिखाई नहीं दे रही। अम्मे का इतना डर हो गया है, अब वो डरे हुए हैं। अगर उनको उनकी आंख का चश्मा हटाया जाएगा, आज ही हम लोग मिलकर के बात करेंगे, नहीं अगर वो हटाएंगे तो उसकी भी दवा है। यहाँ से शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से बात कर करके हर हाल में उस महिला का पंकज कुमार की तरफ से FIR दर्ज कराया जाएगा और इस अनुसरकारी को जेल भजवा करके ही दम लेंगे। ये गोरखपुर कचहरी के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। इनका साफ कहना है कि अनुज सरकारी को हर हाल में जेल भिजवाएंगे, इसके लिए जो भी प्रक्रिया हो उसको पालन किया जाएगा और पंकज कुमार को न्याय दिलाया जाएगा। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए।